अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दम न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा रैना। जिला नौशहर फिरोज के तहसील थारो शाह में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से करोड़ों की लागत से ड्रेनेज स्कीम नामुकम्मल होने पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। आइए मजीद देखते हैं परवेज अली उज्जैन की इस रिपोर्ट में। जिला नौशहर फिरोज के तहलका थारो शाह में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से करोड़ों की लागत से दी हुई ड्रेनेज स्कीम नामुकम्मल होने की वजह से मकामी लोगों ने अपना सख्त रद्द अमल दिखाया है। दुकानदार परेशान है, बेरोजगार लगे हुए हैं और अपना काम काज कैसे चलाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिनट मिनट में जाम है, रोड पर जाना रास्ता नहीं है, किसी न किसी की गाड़ियाँ लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं और रोज़ाना किसी न किसी परेशानी से माना दुकानदारों को सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में लोगों का कहना है इस स्कीम का काम कुछ दिन चलता है और फिर बोगस बिल बनाकर काम बंद कर दिया जाता है, जबकि बाला अफसरों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं बजट नहीं। ड्रेनेज स्कीम नामुकम्मल होने की वजह से नालियों का गंदा पानी रोडों और गलियों में बह रहा है। शाह के आवाम का मुतालबा है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बदनवानियों के खिलाफ एंटी करप्शन और नेप को तहरक लेना चाहिए और करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन गुलाब बलोच के साथ रेवेज अली उज्जैन, दम न्यूज़, थारो शाह।